हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, आज हम लखीमपुर की उद्घाटन समारोह की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये धर्मसभा इंटर कॉलेज है, यहां पर उद्घाटन समारोह रखा गया है। दोस्तों, यहां पर माननीय श्री रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी आएंगे, यहाँ से उद्घाटन समारोह करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों हरी झंडी दिखाकर स्टेशन पर ट्रेनों को रवाना करेंगे। दोस्तों, ये यहाँ वहाँ का व्यू है, दोस्तों इस पर नज़र डाल लेते हैं। सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए हैं। दोस्तों, देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा और कितनी देख रेख में यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है। दोस्तों, कुछ ही समय में ये कुर्सियाँ खाली पड़ी है, कुछ ही समय में यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा और जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों, ये उद्घाटन समारोह का स्टेज है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया स्टेज यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हम आपको स्टेशन पर लेकर चलेंगे और वहाँ से ट्रेन जो रवाना होगी उसका व्यू भी हम दिखाएँगे और सब कुछ दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह का हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं, चारों तरफ काफ़ी लोग पहले से आना है, जमा हो गए हैं, जमा होना शुरू हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी भीड़ हो जाएगी तो जगह नहीं मिलेगी, सुरक्षा के काफ़ी अच्छे इंतज़ाम है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं, कितनी की भीड़ इकट्ठा हो गई है। दोस्तों, अभी और भी लोग बढ़ेंगे, जो जगह खाली पड़ी है दोस्तों वो भी अभी भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मंत्री जी और जो माननीय सांसद जो हैं अजय मिश्र टेनी जी, वो भी अभी यहाँ पर नहीं आए हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ी भीड़ कम हो रही है। हल्के हल्के यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। दोस्तों, देखिए काफ़ी लोगों का जमाव यहाँ पर शुरू हो गया है। दोस्तों, उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर अगर मौजूद होंगे तो ट्रेन का व्यू नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम स्टेशन की तरफ दोस्तों रुख करते हैं। यहाँ का व्यू दिखाने के बाद समारोह स्थल है। दोस्तों, अब चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से उद्घाटन ट्रेन को ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है। यह गाड़ी अगर निर्धारित समय 13:00 बजे राजमन को रवाना होगी। यात्रियों को क्या ध्यान में गाड़ी का उद्घाटन हो चुका है, यह गाड़ी अपने निर्धारित समय से रवाना होगी। फ्रेंड्स, देखिए टाइम हो चुका है, ट्रेन रवाना हो चुकी है, 1:40 हो चुके हैं। लखीमपुर स्टेशन से ट्रेन सीतापुर के लिए रवाना हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे और जो आगे तक जो ट्रेन जाएगी ओवरब्रिज के बाद, जो ओवरब्रिज होता है रोड का, उसके बाद तक का व्यू दिखाएंगे इस वीडियो में। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जमा है, काफ़ी तादाद है लोगों की यहाँ पर, कितनी भीड़ उमड़ के आई है स्टेशन पर। लगभग 2.5 साल के बाद लखीमपुर स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन हुआ है। दोस्तों, काफ़ी उम्मीद लोगों ने लगा रखी थी, काफ़ी कई बार CRS भी हुआ और उसके बाद कई तारीखें भी डिक्लेयर हुई। उसके बाद दोस्तों अब जो आकर 28 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक लखीमपुर में ऐतिहासिक समारोह हुआ है, ये लखीमपुर का ऐतिहासिक समारोह है। दोस्तों, ट्रेन का जो संचालन हुआ है यहाँ पर, दोस्तों लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ जमा है। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं, देखिए कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर, बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर देख रहे हैं। सुरक्षा का इंतजाम भी बहुत कड़ा है। दोस्तों,
कितनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है दोस्तों। मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लखीमपुर से ट्रेनों का संचालन हो गया है दोस्तों। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था यहाँ की जनता को ट्रेवल्स करने के लिए। इसके बाद दोस्तों गोमती नगर एक्सप्रेस जो सीतापुर से गोरखपुर तक के लिए और आगे जाती है, वो उसका भी यहाँ पर संचालन। देखिए फ्रेंड्स, दो नंबर प्लेटफार्म की साइड से जो ट्रेन की दूसरा साइड है वहाँ से लिया हुआ व्यू है दोस्तों। देखिए काफ़ी शोर शराबे का माहौल है दोस्तों। यहाँ पर लोगों को काफ़ी खुशी का माहौल है, काफ़ी खुशी लोगों को महसूस हो रही है। इसका इजहार आपको आवाज़ें आ ही रही होंगी, चीख कर लोग कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से ट्रेन की रवानगी हो चुकी, ओवरब्रिज के नीचे से ट्रेन निकल कर जा रही है दोस्तों। ये वहाँ का व्यू है, अभी इसके आगे हम आपको भी लेकर चलेंगे और भी दिखाएंगे वीडियो में। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये ओवरब्रिज है जो लखीमपुर सीतापुर लखनऊ हाईवे है, उसका ओवरब्रिज है। यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी दूर है स्टेशन से ये, लेकिन यहाँ पर भी लोग यहाँ पर जमा है दोस्तों। कितनी मात्रा में यहाँ पर, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग जमा है, कितनी खुशी का माहौल है लखीमपुर में इस टाइम। ये वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। काफ़ी दूर तक लोग इसको देखने के लिए आए हैं। ऐतिहासिक माहौल है लखीमपुर का, ये ऐतिहासिक हुआ है कार्य दोस्तों। लखीमपुर में कई तारीखें बदली गई हैं, उसके बाद दोस्तों यहां से ट्रेन का संचालन हुआ। आज 29 अगस्त 2019 को दोस्तों 28 अगस्त 2019 को दोस्तों यहां पर ट्रेनों का संचालन हुआ है दोस्तों। ये देखिए ट्रेन आगे जाती हुई सीतापुर साइड में दोस्तों। फिलहाल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके दोस्तों ज़रूर बताना, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहना। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को दबाना। आने वाली जो वीडियो की लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सके दोस्तों। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और भी